हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के जनरल नॉलेज के बारे में। झारखंड में सर्वाधिक क्या है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, जिसमें मैं झारखंड से रिलेटेड जनरल नॉलेज के जो वीडियोस हैं वो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सके। तो ये जो है वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो पहले भी JSSC में आ चुके हैं। इसमें में है झारखंड में सर्वाधिक। सो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात किस जिला में है? तो इसका उत्तर है रांची। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला कौन सा है? तो उसका आंसर है हजारीबाग, सूरजकुंड। तीसरा, झारखंड में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो यह जमशेदपुर, इंडस्ट्री होने के कारण आई थिंक यह ज़्यादा गर्म होता है। चौथा है, झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो उत्तर है वो है झरिया। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड में काइनाइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? तो इसका है उत्तर है लिप्स बुरु, जो कि सिंहभूम में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक लौह भंडार कहाँ है? इसका भी जो उत्तर है वो है सिंहभूम में। झारखंड में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? इसका भी उत्तर जो है पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सी है? तो इसका उत्तर है मई। मई झारखंड के लिए सबसे गर्मी वाला महीना होता है। वैसे तो आजकल मौसम उतना गर्म नहीं है झारखंड का। झारखंड में सर्वाधिक ठंड वाला महीना कौन सा है? तो इसका उत्तर है जनवरी। एक कार्यकाल में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? इनका उत्तर है रघुवर दास, सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं एक कार्यकाल में। झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? इसका उत्तर है संथाल परगना, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ यहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये है नेतरहाट, यहाँ काफ़ी वर्षा होते रहता है। आई थिंक यहाँ पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और पहाड़ भी है, हो सकता है कि जो बादल है वो वहाँ टकराता है ज़्यादा और ज़्यादा बारिश होता है। झारखंड में सर्वाधिक ठंड कहाँ पाया जाता है? तो ये भी नेतरहाट में ही पाया जाता है सर्वाधिक ठंड। झारखंड में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ये है दामोदर नदी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है झारखंड में। झारखंड में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा धान यहाँ होता है, धान की खेती सबसे ज़्यादा झारखंड में की जाती है। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो ये है रांची, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति इसी जिले में पाए जाते हैं। झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? ये है पलामू, जहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये अच्छे से पढ़ के जाएँ कभी अगर भी आप एग्ज़ाम्स में जाते हैं, तो ये दोनों 16 और 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से याद करके जाएँ। झारखंड में सर्वाधिक लौह का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये खूंटी, खूंटी में सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन किया जाता है। झारखंड का सर्वाधिक कुआं से सिंचाई सिंचित जिला, मतलब जो जो सिंचाई के लिए कुआं का इस्तेमाल किया जाता है, उस कौन सा जिला है? तो वह है गुमला है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो रांची का है। तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर फॉर यू गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।